हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम अपने घर जा रहे हैं आगरा, और हम एक सरप्राइज़ विजिट देने वाले हैं ये अपने भाई को और सिस्टर को। उनको हमने अभी बताया नहीं है क्योंकि आज हमारे पास एक ही दिन का ऑफ है, आज है संडे। हम अभी जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद हम के डायरेक्ट हम कैफ़े पर जाएंगे, उनको सरप्राइज़ देंगे। तो ये हमने सडन प्लान हुआ, रात को हमने बताया, हमने पहले कन्फर्म किया उन्हें कॉल करके कि भैया कल घर पर ही हो, पूछने में लगे क्यों क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसे पूछ रहे थे, वैसे हम ऐसे सडन विजिट करते नहीं कि एक ही दिन में जाना, आज ही जाएंगे हम और इवनिंग में वापस आएंगे क्योंकि कल हमारा स्कूल है, कोई ऑफ नहीं है। हम पहुंच गए हैं घर, अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा। यहाँ से दिख रहा है साफ साफ, उधर रूम में कोई है। अरे ये तो दोस्त है मेरे सारे, देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा। टना हेलो, ओ भाई, ओ भाई, गजब 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 गजब, इतनी गंदी भैया एक्टिंग, कहता है ये चल जा दोबारा यार, ऐसे नहीं, थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग, थोड़ा अच्छे से करो यार, थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ भाई सच में, ठीक है दोबारा टेक टू, ठीक है टेक टू भाई, अच्छे से खुशी होनी चाहिए आपको कि मैं आया हूँ ना। चलो ओके, टेक टू, लेट्स सी क्या रिएक्शन रहेगा। हेलो गाइस, अभी अभी दूसरे टेक में पहला टेक बिगड़ गया। अरे अरे वाह वाह जी वाह, आप कहाँ है? सही है सही है, पहले से बैठे हुए हैं। अच्छा लगा यार आप लोगों से मिलकर यार, सही है यार, आते रहा करो यार ऐसे यार, बहुत दिनों से मिस कर रहे थे यार। अरे यार यार ये तो मैं भूल ही गया कि आप आए हो मेरे से मिलने, मैं आया हूँ आपसे मिलने। चलो भाई कोई बात, में पैर छू लियो। अरे तो वीडियो में ही बोल देता कैसी छू रहा हूँ, ठीक है भैया वहाँ से पैर छू लेता हूँ मैं, भाई लाख। चलो यार, और अब बस मिल ली, अब क्या करें, बस हो गया कुछ तो करे यार। डब्बा तो यार, डब्बा लाए हो, लाए हो, क्या लाए थे? मिल्के लाए थी ना, तुम क्या लाए हो भाई? क्या तुम क्या लाए हो? मैं यार वो लाए, मैं लाऊं, एक ही तो बात है। तो तेरे को भी अलग चाहिए यार, प्रिंसिपल फीस दे तो एक ही बात नहीं है, आप बोला कि इनको अलग। हाँ ये बात भी सही है, वैसे वो भी वीडियो देखती है हमारी। ये वो पर्सन है जो मना कर रहा था मैं वीडियो में बोलूंगा। मुझे मत लेना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ फिर बोलता रह जाता हूँ। चलो ठीक है, वाह यार नाइस, अच्छा लग रहा है ये। सुमेश यार मतलब क्या चल रहा है सुमेश यार, इनकम टैक्स का पैसा बचा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये देख रहे हो, ये देख रहे हो नई स्मार्ट टीवी, ये पैसे वापस आ गए। अच्छा ब्लॉग देखो यार, ये डिजाइन सोफा सेट, गजब सही है यार, पैसा तो आपके पास आ रहा है, हम तो बेवजह वीडियो बना रहे हैं, है ना, लग रहा है ना। अनाप सनाप भगवान का दिया, वैसे सब कुछ है पर रखा किधर है ये पता नहीं है। चलो फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक बाय बाय। शाम हो गई है, लेट हो गया, भैया के कैफे जा रहे हैं, साथ में हमारी बहना, ये आज एग्जाम देकर आई है बेचारी, एग्जाम देकर आई बेचारी, इसी का वेट कर रहे थे हम, एग्जाम भी वो वाला देकर आई है जो किसी काम का नहीं आओ है, काम का है, कहीं कहीं हो सकता है, देखते हैं लेट्स सी क्या होगा, कब काम आएगा वो। अब सुमेश को तो देखो, सुमेश की तरह तो पहुंचते हैं कैफे, उसके बाद मिलते हैं। आज क्या है कि कल शिवरात्रि का मेला है यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है जिसकी वजह से ऑटो बंद कर दिए हैं रास्ते में अभी से। झूठ तो नहीं बोल रहा, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ ना, फिर हमें क्या मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है आप देख सकते हो भैया, एक जो हमारा जाते हैं। एक जो हमारा भाई जो कि ड्राइवर बना हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है कुछ पता नहीं, उसके बाद मैं बैठा हूँ, उसके बाद हमारी मोहतरमा और जो चौथी बैठी है वो तो बस हवा में है,
तो एक स्कूटी चार लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इस टाइम ट्रैफिक रूल्स कैसी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और हम बोलते हैं कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, बट क्या करें, मजबूरी है, ऑटो एक भी नहीं चल रहा है, पहुंचना भी है, अदरवाइज हम जो सोच के आए थे वो हो नहीं पाएगा, और ऐसे गुमनाम रास्ते गली कूचों में निकल के पहुँच रहे हैं जहाँ रोड कम स्पीड ब्रेकर इतने ज़्यादा हैं, ऐसा लग रहा है रोड में स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर के बीच में कभी कभी रोड बना दी उन्होंने। चलो पहुँच के बताते हैं जैसे है। अभी इसने एक ऐसी जगह फंसाया हमसे बोल रहा है तब से कि मैं एक सेफ जगह से लेके जाऊंगा बिल्कुल जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी, क्योंकि बाकी मेन रोड पर सब बंद है, पुलिस वालों ने बंद कर रखा है। तो जैसे हम इस रास्ते लेकर आए इतनी सारी भीड़, वो भी सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले, एक भी सिविल सर्वेंट नहीं, सारे पुलिस वाले वर्दी में घूम रहे हैं। मैं कह रहा सुमित कहाँ लेकर आ गए भाई, चुप है भैया, चुपचाप बैठ रहो, कोई बात नहीं। पुलिस से जैसे निकले तो आगे जज कंपाउंड जहाँ जज साहब रहते हैं, मैंने कहा सुमित ये तुम सेफ जगह लेकर आए हो अब हमें, मतलब पुलिस अगर ऑन द स्पॉट पकड़े तो वहीं जज के घर में ले जाए सर इंस्टेंट, दो इन्हें अभी जजमेंट सुनाओ इनको, दो पनिशमेंट। मैंने कहा ये सेफ जगह लेकर आया है, अब तो हमें खुद डर लग रहा है भाई, और जज के कंपाउंड के आगे पीछे घूम रहे हैं हम। जब भी आप आगरा विजिट कर रहे हैं तो अगर आप पेठा नहीं ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा। आगरा का सबसे पॉपुलर जो स्वीट है वो है पेठा, तो वो भी हम कर रहे हैं, हमने लिया अपने लिए पेठा। बड़े ही स्ट्रगल के साथ हमारा भाई ये शॉर्टकट से अब कहां से घुमा कर कहां से घुमा के हमें लेकर आ गया फाइनली हमारे कैफे पर, बदलाव चाय पॉइंट, ये हमारा कैफे। अब चलते हैं अंदर की तरफ, 10-15 मिनट में यहां पे होते हैं, वहां से आओ वो आएगी क्या भी। पुश हेलो हेलो हाँ बताया रास्ते भर की वीडियो। हेलो भाई, ये मेरा भाई, मेरा जिगरी, मेरा यार मनोज भाई। चला ना आएगा सच में, अरे वीडियो में जो भी कुछ कर रहे हैं वीडियो तुरंत चला रहा था गाड़ी नंबर देख के, तुम बोल देंगे ऐसे चलो ये वीडियो में तो नहीं बता मैं पहुंच गया अचानक पहुंच गया मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। सुनो तो गाड़ी का लगा सुनो तो ये हमें लेकर आए एक शॉर्टकट से एक शॉर्टकट है मैं लेके आता हूं। मैंने कहा ठीक है मैंने बनाना शुरू किया, जब शॉर्टकट लेके आया ना पूरे रास्ते में गलियों में लेकर गया, एक जगह ऐसी 12-13 पुलिस वाले खड़े पूरी रोड पे ऐसे, ये कौन सी सेफ जगह लेकर आया मुझे बोला था भाई शॉर्टकट मैंने तो कौन सी सेफ जगह लेकर आया भाई 12-13 पुलिस वाले बोला तो शॉर्टकट से चलेगा, अरे मैं जाता हूँ डेली रास्ते से। और जैसे ही वो 12-13 पुलिस वाले हमारी सांसें फूल के सुमेश कौन सा, अरे टेंशन मत लो चुप रहो ना बस। जैसे ही 12-13 पुलिस वाले निकले देखा जस्ट बगल में जज कंपाउंड जज साहब का हाउस, मैंने कहा बहुत सही है पुलिस वाले पकड़ेंगे सीधे घर में ले जाएंगे, जज साहब इनका फैसला करो, चार चार बैठ के आ रहे थे एक साथ सुनेंगे नहीं पर देख तो रहे हैं। जैसे करो ना फाइनली एक दिन की ट्रिप हुई खत्म, हम जा रहे हैं वापस अपने घर, इन दोस्तों से मिलने आए थे कि भाई हमें अभी शॉर्ट ट्रिप से नहीं छोड़ेगा जल्दी, ऐसे शॉर्ट ट्रिप और सरप्राइज ट्रिप हम देते रहेंगे, भाई का शॉर्टकट हमेशा याद रहेगा हमें।
चच के घर के सामने लाके खड़ा कर दिया था कि भैया सेफ हो, आप टेंशन मत लो। चच के सामने, चच के सामने ना किया है सरकार को। चार लोग बैठे थे वो भी विदाउट हेलमेट विदाउट लाइसेंस। नहीं लाइसेंस मिलते हैं फिर।